गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। गांधीनगर में कई योजनाओं का वो शिलान्यास करने वाले हैं। 4400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों को वो देंगे। इसके अलावा जो जानकारी है वो ये भी कि आवास योजना के तहत लाभार्थियों को पीएम चाबी सौंपेंगे। गिफ्ट सिटी का भी वो दौरा करने वाले हैं। इसके मद्देनजर तमाम तरह की तैयारियां और बेहद खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने होम स्टेट, अपने गृह राज्य में। और जब भी वो जाते हैं तो बड़ी सौगात देते हैं प्रदेशवासियों को। आज भी जगह जगह उनके कार्यक्रम प्रस्तावित हैं और इसी कड़ी में वो अलग अलग जगहों पर पहुँचते हुए कई सारे विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और इससे उस क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। अहम ये भी है कि कई लाभार्थियों को आज प्रधानमंत्री आवास की चाबी सौंपने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन मकानों का निर्माण किया गया है और इन लोगों को आज चाबियां सौंपी जाएगी। तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र की ये महत्वाकांक्षी योजना है और इसी योजना के तहत इन तमाम लोगों को, हजारों हजार की तादाद में उन लोगों को जो कि यहाँ पर पहुंचेंगे, आज चाबियां सौंपी जाएगी। गिफ्ट सिटी का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करने वाले हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से हम बात करें तो चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहां पर जो जानकारी आई है वो ये भी है कि अखिल भारतीय शिक्षा संघ के सम्मेलन में भी पीएम शिरकत करने वाले हैं। उस दौरान वो क्या कुछ कहते हैं शिक्षा के लिहाज से वो देखना बेहद खास होगा क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री अपने संबोधन के जरिए मोटिवेट करने का भी काम करते हैं। तो ऐसे में इस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ कहते हैं उस पर भी सबके निगाहें टिकी हुई होंगी। लेकिन पीएम का ये जो पूरा दौरा है अपने गृह राज्य में वो बेहद ज़्यादा खास हो जाता है और गुजरात की जनता को कई सारी योजनाएं भी, कई सारी सौगातें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दरमियान देंगे। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अरविंद शर्मा इस वक्त लाइव मौजूद हैं। अरविंद, क्या ताज़ा अपडेट्स है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब पहुँचने वाले हैं? देखिए प्रिया, प्रधानमंत्री करीब 10 बजे के आसपास अहमदाबाद पहुंचेंगे और इसके बाद सीधे प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी जाएंगे जहां पर शैक्षणिक संघ का एक कार्यक्रम चल रहा है जो 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आयोजित है, जिसमें देश भर से आए करीब 91,000 शिक्षक भाग ले रहे हैं और प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो ये अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है क्योंकि बतौर जब मुख्यमंत्री गुजरात थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस दौरान उन्होंने स्कूली शिक्षा पर विशेष जोर दिया था और उस दौरान प्रधानमंत्री ने गुजरात में शाला प्रवेश उत्सव और गुणोत्सव जैसे कार्यक्रम उन्होंने करवाए थे। तो शिक्षा प्रधानमंत्री का एक प्रिय विषय रहा है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री आज शिक्षक संघ का जो कार्यक्रम है उनको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, जिसमें देश भर से करीब 91,000 शिक्षक यहाँ पहुँचे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री का जो अगला कार्यक्रम होगा वो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम गांधीनगर के महात्मा मंदिर में है जहाँ पर विकास की करीब 44,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे और गुजरात को कई सौगातें देंगे, जिसमें कई निर्माण जो जिनकी जरूरतें महसूस की जा रही थी उन आधारशिलाओं को भी रखेंगे। तो कुल मिलाकर गुजरात को आज 4400 करोड़ की जो सौगातें हैं वो मिलेंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना अरविंद, जो कि केंद्र की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उस योजना के तहत लगभग 19,000 ऐसे लाभार्थी हैं जिनको आज आवास की चाबी भी प्रधानमंत्री सौंपेंगे, इसको लेकर क्या कुछ और डिटेल्स हमारे पास? देखिए पूरे गुजरात में करीब 19,000 ऐसे मकान बनाए गए हैं जो EWSRR के तहत बनाए गए हैं और जरूरत को देखते हुए बनाए गए हैं। तो उनके जो लाभार्थी हैं उनको भी प्रधानमंत्री चाबियां सुपुर्द करेंगे। तो पूरे राज्य में जो जगह जगह पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए गए हैं और जिनको भी मकान मिले हैं, तो ऐसे करीब 18,000 से 19,000 लोगों को प्रधानमंत्री अपने आवास योजनाओं की चाबियां सुपुर्द करेंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट राजकोट भी चल रहा है जिसको अफोर्डेबल होम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है और उस प्रोजेक्ट का भी काम जोर शोरों से चल रहा है और उसको भी लेकर प्रधानमंत्री आज कुछ घोषणा कर सकते हैं कि राज्य के अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार के मकान बनाए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लोगों को आज चाबियां सुपुर्द की जाएंगी, तो उसका भी एक कार्यक्रम है। और इसके अलावा भी विकास की परियोजनाओं से जुड़े हुए कई कार्यक्रम अहमदाबाद नगर निगम के हैं, गांधीनगर के हैं और राज्य में कई जगहों पर विकास के जो कार्यक्रम हैं वो काम हैं उनका भी आज प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है अरविंद, आप नजर बनाए रखिए।